नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूं वो है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। वो कहते हैं ना, किसी की तरफ एक उंगली उठाओगे तो तीन उंगलियां अपनी तरफ होती है। अब यही काम नीतीश कुमार ने किया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी सारी गलती का ठीकरा केंद्र सरकार पर यानी कि मोदी सरकार पर फोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद ही गिर गए। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार की वो स्थिति ना होती जो आज है। यानी कि उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से बिहार में कोई भी सहायता नहीं दी जा रही है। बिहार से कई घोटाले सामने आए, पेपर लीक मामला हो या कई घोटाले सामने आए, इस पर नीतीश कुमार की ओर से कोई बयानबाजी नहीं आई। और नीतीश कुमार की बौखलाहट भी साफ देखने को मिल रही है कि आरजेडी और जेडीयू में जो दरार आ रही है वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। अब तो नीतीश कुमार का सीएम पद के लिए टिकना भी मुश्किल है और ऐसा लग रहा है कि अब जेडीयू के भी टुकड़े होने वाले हैं, तो पीएम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो बयान आया है, जो वो मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, पीएम मोदी पर, कि उनको कोई भी फेवर नहीं मिला है केंद्र से, तो उसके वो खुद ही शिकार बन रहे हैं और खुद ही सवालों के घेरे में आकर खड़े हो गए हैं। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं हमें बताना ना भूलें।